वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, शेख सवाल यह है जी, मैं यहाँ पे गल्फ में हूँ एक्चुअली। तो मेरा हमारी कंपनी जो है हाइपर मार्केट यानी कि सुपर मार्केट को सप्लाई करती है प्रोडक्ट्स को जी। तो उसको उनको हम लोग को डिस्काउंट यानी कि मैं जो डिस्काउंट देना पड़ता है जो सेलिंग प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो उसके उस टाइम पे उसके बाद जो है एक खास जगह पे हम लोग डिस्प्ले करने के लिए जो खास जगह होता है डिस्प्ले करने के लिए प्रमोशन एरिया बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए फीस मांगा जाता है। तो एक मंथली महीने में एक फीस मांगा जाता है, तो ये फीस क्या देना ये देना क्या जायज रहेगा, ये मेरा सवाल है। यानी सुपर मार्केट में आप लगा रहे ना? जी 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 जी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है यानी कि हम लोग डिस्काउंट भी देते हैं हम लोग को। आवाज मुझे कट जा रही थी, सवाल बहुत क्लियर नहीं हो सका। अर्षद भाई आप सवाल दोहराएं। हाँ मैं बता रहा हूँ। सरफराज भाई, मतलब ऐसा है कि सुपरमार्केट में आप अपना स्टॉल लगाते हैं ना? स्टॉल नहीं, यानी कि हाइपरमार्केट में एक क्या बोलते हैं हम लोग को थोड़ा जगह दिया जाता है, ठीक है। स्टॉल नहीं होता है एक्चुअली, उन लोग का ही शेल्फ होता है। एक दुकान की तरह समझिए आपकी। हाँ है ना, आपकी अपनी दुकान की तरह। जी 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 जी। और फिर जो एक्स्ट्रा पैसा आप पे कर रहे हैं वो किस चीज का पे कर रहे हैं? एक्स्ट्रा पैसा यानी कि कुछ खास जगह पे रखा जाता है, जैसे प्रमोशन एरिया होता है ना। समझ गया सरफराज भाई। शेख सवाल ये है ना कि एक हाइपरमार्केट में ये दुकान लगाते हैं, जैसे जो जैसे हमारे यहाँ मॉल्स वगैरह में बांट दिया जाता है ना दुकानें, तो वैसा इनकी भी एक दुकान है, लेकिन वहां पर एक एरिया होता है जिसको प्रमोशन एरिया कहते हैं, जहाँ पर वो लोग प्रमोट करते हैं लोगों को, दुकानों को, प्रोडक्ट्स को। तो वो कह रहे हैं कि वहां पर अगर हम अपना कुछ लगाते हैं प्रमोशन के लिए तो उसका अलग से एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, तो क्या ये देना दुरुस्त है? सरफराज भाई यही सवाल है ना आपका? जी 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 जी। हाँ शेख, जो मैं सवाल से समझा हूँ वो ये कि जो मॉल्स होते हैं या हाइपर मार्केट्स होती हैं, वो जाहिर है किसी एक आदमी का या कुछ लोग मिलके वो मॉल बनाते हैं, फिर उसमें अलग अलग लोगों को दुकानें या वो जगह किराए पर दी जाती हैं। आप वहां अपनी दुकान खोल सकते हैं, आपको किराया देना होगा मंथली, वो दोनों का आपस में एग्रीमेंट होता है। और ये कोई भी आदमी जो मॉल में गया है उसने देखा होगा कि तरह तरह की कंपनियां वहां पर अपना प्रोडक्ट बेचती हैं, तो जाहिर है उन कंपनियों की दुकानें वो नहीं होती हैं, दुकानें जो मॉल का मालिक होता है उसकी होती हैं, वो किराए पर लिए होते हैं। तो जाहिर है दोनों के दरमियान किराए पर एक एग्रीमेंट होता है कि फला दुकान का मैं माहाना या सालाना इतना किराया लूंगा, और उसके अलावा अगर मेरे प्रमोशन एरिया में कुछ, जाहिर है कुछ जगह ऐसी प्राइम जगह होती हैं जो ज्यादा अहम होती हैं, उनका किराया ज्यादा होता होगा, तो अगर आप यहां पर आकर के प्रमोट करेंगे तो प्लस हम आपसे ये भी चार्ज करेंगे। तो ये सारा एग्रीमेंट पहले से होता है उनका, तो ये एक किराए की शक्ल है। तो बजाहिर जितनी चीजें भाई ने जिक्र की हैं इसमें कोई इश्काल और हरज की बात नहीं है, दुकान का किराया है कोई बात नहीं है, दोनों का एग्रीमेंट हुआ हुआ है। इसी तरह से अगर वो प्रमोट करना चाहते हैं किसी खास एरिया में, उसका भी एक खास किराया होता है, अगर आप वहां आना चाहते हो तो किराया अदा करो, आकर के वहां अपना सामान जो है प्रमोट करो, तो वो भी एग्रीमेंट होता है बाकायदा, सारी चीजें वाजे होती हैं। तो बहरहाल जितनी बातें सवाल के अंदर जिक्र हैं उनकी रोशनी में इसमें शरान कोई इश्काल और कोई हरज की बात नहीं है। जी जी। नहीं एक्चुअली हम लोग सप्लायर हैं। आप इनसे अर्शद भाई आप ये पूछिए कि आखिर में इनको ये इश्काल आ कहां पे, जाहिर है कहीं पे डाउट होगा इनको, तभी इन्होंने सवाल किया है, तो उनको डाउट कहां पे है? डाउट यानी हम लोग सप्लायर हैं, हाइपर मार्केट जो होता है ना, सुपर मार्केट हम लोग सप्लायर हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को वहाँ पे हम लोग देते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक है, जगह पे रख, यानी कि अगर नॉर्मल शेल्फ है यानी कि नॉर्मल जगह है तो वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। अच्छा अच्छा। और दूसरी जगह प्रमोशन एरिया है तो मतलब वो लोग कुछ चार्ज करते हैं, तो ये है। तो मेरा सवाल मतलब इसकाल इस बात पे आ रहा है कि ये यानी के कुछ जुआ या सूद के चक्कर में जाएगा, ये मेरा इश्काल। नहीं नहीं नहीं, अब सवाल वाजे वैसे ही है सवाल, बस फर्क सिर्फ इतना है कि स्टॉल इनका नहीं है या दुकान इनकी नहीं है, मतलब एक हाइपर मार्केट है। अब जैसे कोई भी मार्केट में हम जाते हैं जो लगी होती है, तो उसमें अलग अलग स्टॉल्स लगे होते हैं और चीजें बिक रही होती है अलग अलग कंपनीज की, हालांकि वो कंपनी ने होलसेल में दे दिया होता है, ये डिस्काउंट से अपने सामान को
डिस्काउंट में या हाइपरमार्केट वालों को बेच देते हैं अपना प्रोडक्ट, ये हाइपरमार्केट वालों को डिस्काउंट में बेच देते हैं। अब वो लोग कस्टमर को सप्लाई करते हैं, लेकिन प्राइम जगह जो है ना जहां पर प्रमोशन एरिया है वहां पर प्रमोशन के लिए वो लोग अलग से पैसा चार्ज कर रहे हैं। कोई हर्ज की बात नहीं, देखिए ये इनका ये कह रहे हैं कि मुझे शक हो रहा है कि ये कहीं जुआ तो नहीं है। देखिए जुआ में क्या होता है ना, जुआ में जो सामने वाली चीज होती है मजहूल होती है, कुछ पता नहीं होता है उसका, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये जुआ होता है। और ये जुआ नहीं, ये तो किराया है। आपको आपका बाकायदा एग्रीमेंट होता है कि मैं इतनी फला जगह ये अपना प्रमोशन करूंगा और इतना दूंगा, सब कुछ वाजे है। तो ये बाबिल इजारा है, इसमें जुआ की कोई ऐसी शक्ल नजर नहीं आ रही है। यानी आपने जब एग्रीमेंट उनके साथ किया तो आपने तो प्रोडक्ट बेचने का एग्रीमेंट किया है ना, आपने प्रमोट करने का एग्रीमेंट नहीं किया है, तो वो एग्रीमेंट का पैसा अलग, अगर अलग से चार्ज कर रहे हैं प्रमोट करने का, तो शेख ने कहा कि वो कोई जायज है, कोई मसला नहीं उसमें। ठीक है, जजाकल्ला।